हेलो दोस्तों, आप नीचे एक वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें एक युवती दिखाई दे रही है आपको और एक साधु महात्मा जो संत कहे जाते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये जो वीडियो है किसी मंदिर का है, किसी मठ का है। और ये युवती और ये साधु महात्मा दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर रहे हैं। लड़की की उम्र देखी जाए तो 20-22 साल के आसपास होगी और जो साधु महात्मा हैं उनकी उम्र 50-60 के बीच में होगी। यानी कि लड़की साधु महात्मा की बेटी की उम्र की है और साधु महात्मा लड़की के पिता की उम्र के हैं। लेकिन इनका प्यार ऐसा परवान चढ़ रहा है कि दोनों के बीच में उम्र का कोई फासला नहीं रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ में शादी रचा रहे हैं। ये जो घटना है ये नोएडा सेक्टर 9 की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है, युवती है, ये रोज इसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती थी। और इस युवती का और ये जो साधु महात्मा हैं इन दोनों का नैन चोरी हो गए और वहीं से कहानी इन दोनों की स्टार्ट हो गई और आज कहानी इस मुकाम तक पहुंच गई है कि दोनों एक दूसरे के साथ में शादी रचा रहे हैं। और ये जो वीडियो बनाया है इन्होंने खुद अपने ही मोबाइल लगा करके जब जा करके बनाया है। तो दोस्तों, ऐसे महात्मा के लिए आप क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचा रहे हैं ये महात्मा जी। वैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? ये ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यहाँ? लड़की को तो भाई पैसा दिखाई दे रहा होगा महात्मा जी पर, और आप जानते हैं महात्मा जी को क्या दिखाई दे रहा होगा इस लड़की के ऊपर, इस लड़की में जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ही शादी रचा रहे हैं। जब ये लड़की और साधु दोनों फेरे ले रहे हैं तो इनकी शादी से जो अग्नि देव होते हैं वो भी खुश नहीं है। आग भी बुझ गई है, जो लड़की ने आग जलाई थी वो आग भी बुझ गई है फेरे लेते टाइम। फिर दोबारा से इस लड़की ने आग जलाई है और फिर दोबारा से जाके फेरे पूरे किए हैं अपने। हमारा समाज जा कहाँ रहा है?